घर पर माँ कर रही थी इंतजार, किसी को क्या पता कि बेटा राख में तब्दील हो गया। जितना दुख आपको इस बात को सुनकर हो रहा होगा, उससे कई ज्यादा उस परिवार को हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल हाल ही में हरियाणा के भिवानी में एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी मिली। गाड़ी पूरी तरह से जली हुई थी। इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर दो नर कंकाल भी मिले। जैसे ही इस गाड़ी को लोगों ने देखा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पता चला कि ये शव नासिर और जुनैद के हैं। इस पूरी घटना पर गांव वालों और परिवार का कहना है कि उन्हें जिंदा जलाया गया है। दोनों की हत्या के तार बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जोड़े जा रहे हैं। वहीं इस मामले को गौ रक्षा से जोड़ा जा रहा है। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है। वहीं इनकी रक्षा के लिए बहुत से इनिशिएट भी किए गए हैं। लेकिन क्या गौ रक्षा के नाम पर किसी शख्स को जिंदा जला देना सही है? एक तरफ इस पूरी घटना ने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। घटना पर AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दो दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान के घाटमीका से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जलाई हुई लाशें मिली है। अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक है। जुनैद नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। बात है 15 फरवरी की सुबह की, जब जुनैद और नासिर अपनी बुलेरो गाड़ी से किसी काम के सिलसिले में घर से निकले थे, जिसके बाद हरियाणा में दोनों का 5 लोगों ने अपहरण कर लिया। दोनों के अपहरण की जानकारी किसी अजनबी ने स्माइल को दी थी, जिसके बाद स्माइल ने जुनैद और नासिर को फोन भी लगाया, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ था। इस पूरी घटना के बाद 16 फरवरी को स्माइल ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके चचेरे भाई जुनैद नासिर को अगवा कर लिया गया है। शिकायत में आरोप हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर पर लगाया गया है। आरोपियों में से मोनू मानेसर खुद को गौ रक्षक बताते हैं। ये पिछले लगभग 10 से 12 साल से बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस घटना से पहले भी मोनू मानेसर पर गौ तस्करी रोकने के नाम पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई का आरोप भी लग चुका है। वारिस नाम के उस शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल मोनू मानेसर जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में खुद को बेकसूर बता रहा है।